गैरसैंण के रामलीला मैदान में सीटू संगठन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 1500 रुपए की वृद्धि करने पर केंद्र सरकार का आभार जताया, साथ ही मानदेय 18,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केरल बाढ़ प्रभावितों को आर्थिक सहायता देने के लिए धनराशि एकत्र करने की अपील की और गैरसैंण ब्लॉक को 3 भागों में बांटकर वहां पदाधिकारियों को मनोनीत किया। हम ये चाह रहे हैं कि 18,000 हमारा ये है, हमारे मजदूर संगठनों की ये लड़ाई जो है 18,000 की इसलिए है क्योंकि जब तक राज्य कर्मचारी घोषित न किया जाए तब तक कम से कम जो है हमें जीने लायक वेतन 18,000 रुपया दिया जाए। मोदी जी की सरकार ने ये किया, हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में चाहे वो NRHM का हो, चाहे ICDS का हो, चाहे मिड डे मील का हो, लगातार बजट में कटौती हुई है, तो ये हिसाब भी केंद्र सरकार को देना होगा और हमारी ये लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। लाल झंडा जब तक सफलता नहीं मिलेगी, सतत रूप से लड़ाई लड़ता रहेगा। उसी के क्रम में संगठन की मजबूती के लिए आज हमने यहाँ पर ये बैठक रखी।